और अब कॉलोनी को देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान है। चाहे मैं आपको इधर दिखाऊं, चाहे मैं आपको दूसरी साइड इधर दिखाऊं, तो बिल्कुल सुनसान है। कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं है, सबके दरवाजे एकदम बंद हैं, कोई भी बाहर नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों एरिया है बिल्कुल सुनसान, और मैंने जैसे देखा कि मुझे तो एकदम से सुनसान दिखाई दिया चारों तरफ। तो दोस्तों शहर में घुस गया है तेंदुआ। तो दोस्तों स्वागत कीजिए पहले कोहरे का, सीजन के पहले कोहरे का। दूसरी से ब्लाइंड है बिल्कुल, मतलब बहुत कम दिखता है इस बेचारे को, बहुत कम, हद से ज्यादा समझदार कुत्ता है ये इस मोहल्ले का पूरे। तुझे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैं आपकी वीडियो देखता था। तो मेरी वीडियो देखता था? अच्छा, तो आपने एक बच्चे की और बनाई थी वीडियो? हाँ हाँ, तो मैंने एक भी दो बच्चे आए थे मेरे से मिलने, उनके डाली थी। मुझे लगा कि आप मेरी बना सकते हो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। मेरे से मिलने? अरे मेरा बाबू, देखा दोस्तों कितना मासूम सा है कि आपने एक बच्चे की वीडियो बनाई थी और तो मुझे लगा कि आप मेरी भी बना सकते हो। तो बाबू हम तेरी वीडियो जरूर डालेंगे अपनी क्लिप में। हो गया क्या बसंत भाई? बसंत ने फोड़ दिया। इधर चल रहा कॉकरोच। ओम गाना गाएंगे, पहले छुरी तो चला। आजकल वैसे केस हो जाता है कि गाड़ी पर रख के उड़दंग मचा रहे थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल पीसफुल, कोई उड़दंग नहीं मचा रहे। दोस्तों देख रहे हैं आप ऐसी गली सुनसान, या तो कोरोना के टाइम में देखी थी, कोरोना में भी इतनी नहीं क्योंकि अंदरूनी कॉलोनी है तो कोई ना कोई कई तरह घूमते रहते थे, लेकिन जैसी आज बिल्कुल सुनसान है, हर आदमी के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, कहीं कोई नहीं है। तो दोस्तों कॉलोनी में घुस गया है तेंदुआ, अपने मेरठ शहर में आ गया है तेंदुआ, और लोगों ने तेंदुआ देखा तो रात से हल्ला मचा हुआ कि तेंदुआ आ गया, तेंदुआ आ गया, तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस दिखाई देते हैं तो कभी कभी कुत्ते भौंकते हुए। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ को, किधर भी देखो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, सबके दरवाजे एकदम बंद हैं। मैं अभी निकला हूं और दोस्तों आप देख रहे हैं कोहरा वैसे पड़ रहा, अगर सामने से कोई एकदम से आ जाए भागता हुआ तो पता नहीं लगेगा कि किधर से आया क्या हुआ, कोहरा भी बहुत जबरदस्त आ गया ये। और बाकी आप देख ही रहे कि बिल्कुल सुनसान एरिया है, बिल्कुल सुनसान कॉलोनी है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों सुबह सुबह नहाने जा रहा था तो ऊपर जैसी बालकोनी में आया तो मुझे एकदम से कोहरा दिखाई दिया, तो मैं नीचे उतर आया हूँ और आपको दिखाई दूँ कि कॉलोनी में घुस गया है कोहरा। आपको मैं चारों तरफ को दिखाऊँ तो कुछ थोड़ी दूर से के बाद ही विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, सामने पेड़ तक ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, और अभी रिसेंटली 5 मिनट पहले मैं था तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, यानी कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ देखो अब ये थोड़ी देर में मुझे तो लगता है ये गाड़ी दिखनी भी बंद हो जाएगी, जो मेरे से यहाँ पे 30 फीट दूर खड़ी है, तो ये गाड़ी भी दिखनी बंद हो जाएगी। इधर कुछ नहीं दिख रहा और इधर कुछ थोड़ी सी दूर तक का दिख रहा है इधर, और इधर दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, तो विजिबिलिटी खत्म होती जा रही है। और आओ भाई आ जाओ, अपने दोस्त है कॉलोनी के। क्या भाई कैसे खांस रहा है, क्या हो गया? तो दोस्तों बिल्कुल लगता है ना एकदम भेड़िया, क्या हो गया तुझे, कैसा खांस रहा है? तो दोस्तों स्वागत कीजिए पहले कोहरे का, सीजन के पहले कोहरे का। अब ये सुबह सुबह आ गए दरवाजे पे, मैं बाहर निकला था जैसी फॉग देखने के लिए, अब इनको कुछ तो देना पड़ेगा। अब सुबह सुबह रोटी तो है नहीं, वरना इनके लिए मैं रोटी खिलाता, बिस्किट खिलाना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी है एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी सुबह सुबह कुछ है नहीं। और ये शेरू साहब आ चुके हैं हमारे दरवाजे पे, लो बेटा इधर ही आ चुकी है, इसके बेबीज भी हैं पड़ोस में। गंदा कर दिया तुमने पायदान, ले अरे छोड़ ना, कौन देख रहा है, एक और आ गया, ले बेटा तू भी ले, शेरू नहीं उसको खाने दे, ले ले। ये बेचारा अंधा है, एक आंख खराब है, दूसरी से ब्लाइंड है बिल्कुल, मतलब बहुत कम दिखता है इस बेचारे को, बहुत कम। नो शेरू अपने हिस्से का लेना, बहुत समझदार होता, बहुत ज्यादा समझदार होता है, हद से ज्यादा समझदार इस मोहल्ले का पूरे। फिनिश। दोस्तों आज संडे है और ग्राउंड में आप भीड़ देख सकते हैं। दोस्तों कभी हमारे एरिया में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड थे, इतने बड़े बड़े ग्राउंड थे कि अगर दो इंटरनेशनल मैच हो जाए ना तो भी दोनों टीमें खेल सकती हैं,
यानी चार टीमें खेल सकती थी, इतने बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे। लेकिन अब सब कवर्ड हो चुके हैं, सब गिर चुके हैं, सब में कॉलोनी बच चुकी है, सब खत्म हो गए ग्राउंड। तो अब एक अकेला ये ग्राउंड बचा हुआ, और यहाँ पर अगर आप देखें ना तो पता नहीं कितनी टीमें खेल रही हैं, चारों तरफ को टीमें ही टीमें खेल रही हैं। और शायद इन बंदों का खेल खत्म हो चुका है, ये अब शायद घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओहो, और इधर देख सकते हैं न्यू ब्रांड गाड़ी, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी लेके आया भैया को ग्राउंड में। और ये भी आई थिंक न्यू ब्रांड, ये इसकी भी पन्नी नहीं उतरी है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप क्या बड़े क्या बच्चे। मैं देखिए यहाँ से जा रहा था तो मुझको अपना बचपन दिखाई दिया। हम भी कभी इसी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं कि ईंटों का स्टार्टिंग में जब हमने खेलना शुरू करा तो हम भी ईंटों के ऐसे ही बनाते थे। तो एक इधर देख सकते हैं और एक इधर दिखाऊं तो एक इधर भी ईंटों से ही बना के बच्चे खेल रहे हैं। नो बॉल, और बच्चों के साथ ये वाली बात देखो, ये एक कह रहा नो है, दूसरा कह रहा नो नो नहीं है। रो मत यार। ये बता रहा कि यहाँ खेल रहा है, यहाँ खेल रहा नो है। अंपायर ने कह दी नो नहीं, अंपायर को ले लिया दबाव में। यहाँ पर ऐसे खेलने में पता नहीं होता कि बॉल किधर से आएगी, किधर लग जाएगी, क्योंकि एक ही ग्राउंड है और एक ग्राउंड में कम से कम 10 जगह क्रिकेट खेली जा रही है। यहाँ पर पेडीज वाला भी आगे खड़ा हो गया है। तो दोस्तों लड़का काफी अच्छे अच्छे शॉट्स लगा रहा है, और ये भी लगा, बढ़िया गजब शॉट लगा है। दोस्तों नॉर्मली मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ये मेरे ना ब्लॉग से रिलेटेड है, ना मेरे पैसे से रिलेटेड है, ना कुछ। लेकिन आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इधर नाली है, नाली कहो नाला कहो, सूखा है पानी, पुनी इसमें नहीं है, और इसमें पानी आता भी नहीं सिर्फ बरसात के अलावा शायद। तो ये फुटपाथ बनाया गया, देख रहे हैं आप, ये फुटपाथ बनाया गया अभी, ये नहीं बताऊँगा कहाँ बनाया है क्योंकि ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो नहीं बताऊँगा कहाँ बनाया गया। लेकिन इस पे देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, पेंट सेंट वगैरह हो चुका है। ये सड़क है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और पीछे नाली है, और ये फुटपाथ बनाया गया। बारिश आएगी पानी कहाँ जाएगा, इस पूरे इसमें कोई होल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी चले जाओ। मैं थोड़ा ऊपर नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं दिखाना भी नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ फुटपाथ ही दिखाऊँगा, रोड नहीं दिखाऊँगा कौन सी कहाँ की है। तो ये देखिए इस पूरे एरिया में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी होल नहीं है कि पानी, बारिश का पानी नाली में चला जाए। तो ये है हमारी इंजीनियरिंग को सलाम करते हैं हम ऐसे इंजीनियरिंग को, अच्छा है हम इंजीनियर नहीं बने ऐसे। तो दोस्तों फैसला आपके ऊपर है। आपको याद हो, मैं इसको दिखाने से पहले आपको बताऊं, तो आपको एक पिक्चर आई थी ना तारे जमी पर, तो उसमें जो एक बच्चा था, क्विट सा बच्चा था, बहुत अच्छा था पिक्चर, सुपर डुपर हिट हुई थी आमिर खान की, तो उससे मिलता जुलता बिल्कुल बच्चा मुझे आज यहाँ दिखाई दिया, और ये बच्चा भी मुझसे मिलने आया। तो यहाँ मैं दिखाऊंगा, एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास मिलने, तो ये देख रहे हैं ना बिल्कुल सेम है ना, दरसील जाफरी था आई थिंक उसका नाम, तारे जमीन पे। तो ये बिल्कुल सेम बिल्कुल ऐसा, और ये दोस्तों ये मुझसे मिलने आया कि अंकल मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, और ये भी साइकिल पे आया देखो ढूंढते हुए, इसकी बाहर साइकिल वो खड़ी मेरी बाइक के बराबर में। तो यहाँ मैं अपनी शॉप पे हूँ और ये बंदा मुझसे मिलने आया। तो आजकल मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आ रहे, बड़े तो आ नहीं रहे यार, छोटे छोटे आ रहे, तो मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन आएगा जब आप लोग भी आएंगे। तो बेटा क्या नाम है आपका? सक्षम अग्रवाल। और रहते कहाँ पे? सदर दाल मंडी मेरे टेंट में रहते हो। और पढ़ते कहाँ पे? मेरे पब्लिक स्कूल में। तो आप मेरी वीडियो देखते हो, कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे, हाँ, और क्विट सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अच्छा तो ये कौन था, तुझे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मेरी वीडियो देखता था। अच्छा दो बच्चे आए थे मेरे से मिलने उनके टाइम, मेरे से मिलने आ रहे मेरा बाबू। देखा दोस्तों कितना मासूम सा है कि आपने एक बच्चे की वीडियो बनाई थी, और तो मुझे लगा कि आप मेरी भी बना सकते हो, तो बाबू हम तेरी वीडियो जरूर डालेंगे अपनी क्लिप में। तो लेकिन तुझे यहाँ का एड्रेस किसने दिया, तुझे थोड़ी पता था? मेरे भाई ने बताया। तेरे भाई ने बताया कि मैं यहाँ मिलूंगा? अच्छा, और साइकिल पे घूम रहा तो डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? तो कौन सी क्लास में तू? मैं फोर्थ ए में पढ़ता है। अच्छा, और यूट्यूब भी देखता है या पढ़ाई भी करता है? दोनों करता है। हाँ तो ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरी एडिटिंग चल रही है, जो आज का मेरा ब्लॉग आएगा। अब ये तो क्योंकि अपलोडिंग पे चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज मैं इस
अग्रवाल जी को, मिसेस छोटे से अग्रवाल जी को, और सच में मुझको ये बिल्कुल दरसिल जाफरी की तरह ही लग रहा है, जैसे जैसे सेम मेरे सामने तारे जमी वाला खड़ा हो। तो इसके साथ मैं अपनी एक तो पहले पिक क्लिक करूँगा और उसके बाद में इसको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर डालूंगा। तो हम लोग एक सेल्फी लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये बंदा आ रहा देखिए, और सिर्फ मुझसे मिलने आया था। सुन, इसको मैं चॉकलेट्स खरीद के देता हूँ सामने से। अच्छा, तो एक बात तो बता, देख तेरी मेरी दोस्ती हो गई, चॉकलेट खाएगा या वो चिप्स लेगा? अरे कुछ तो लेना पड़ेगा, देख दोस्ती हो गई, हाँ कुछ तो लेना पड़ेगा दोस्त, मैं तेरे साइकिल पे बैठूंगा जरूर। हाँ तो दोस्तों हम इसकी साइकिल पे बैठ गए हैं छोटे की, और बोल क्या खाएगा? अरे सामने सामने यहाँ पे शॉप भी है, चिप्स खाएगा? कौन से वाला चिप्स खाता? लेज अंकल चिप्स, अंकल चिप्स। चल सामने से दिलाता हूँ मैं तेरे को। आपने काम कराया तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, एक और भी पड़ेगी, इधर भी पड़ेगी अब तो। तो आज हमारे एक बर्थडे बॉय किधर गया? उधर है बर्थडे बॉय। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से, महाकाल जी का प्रसाद फिर ले लेंगे, प्रसाद तो जितने चाहो उतने, सबको मिलना चाहिए। मेरी मिठाई शुगर थोड़ी है। तो दोस्तों जैसे आज संडे है और सभी को पता है कि संडे में पहले प्रयास जो हमारी ये संस्था है जो स्वच्छता में बहुत ज़्यादा काम करती है, तो आज हमने यहाँ पर कमिश्नर आवास के पास मेजर तलवार जो कारगिल शहीद थे, मेजर मनोज तलवार जी, उनकी मूर्ति को, उनके स्टेचू को यहाँ पर हमने सफाई की है। तो आज ये हमारे जो सामने आदित्य है इसका बर्थडे है, तो आज हम इसका यहाँ पर बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो जाएगा, इतने हैं नहीं, ज्यादा लोग आ गए, खा लो जिससे खाना फटाफट, जिससे छोड़ के जा रही हूँ सर, इसको तो हिम्मत मारी मैंने, खा लिया बढ़िया हो गया क्या बसंत भाई? बसंत ने फोड़ दिया। इधर चल रहा कहाँ क्रोच? ओम जी पार। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बर्थडे बॉय का, और इसपे संतरे भी हैं, फ्रूट केक है, केक भी हैं, कीवी भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। गाना गाएंगे पहले, छुरी तो चला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू मऊ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वो वाला गाना बजा लेते, वो नहीं बच्चे बच्चे वो होते नहीं, याद करे घोड़ चलना, तुम यूं ही बुढ़े होते रहोगे, वो वाला ना वो। अपनी सहेली जरूर दिखाना उपदेश जी। हाँ हाँ, अपनी वाली सहेली जरूर दिखाना। यहाँ पर हमारे आदि भाई का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। आजकल वैसे केस हो जाता है कि गाड़ी पे रख के हुड़दंग मचा रहे थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल पीसफुल, कोई हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं। बाकी यह है कि बोतल भी खोली है लेकिन हुड़दंग नहीं मचाया, बोतल नहीं कोल्ड ड्रिंक खोली है, नहीं नहीं बोतल खोली है। वरना आजकल हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ रहा था, सड़क पे खड़े होकर बर्थडे मना रहे थे। तो दोस्तों ये हमारा डेली ब्लॉग जैसा था, तो लाइक और कमेंट करके मुझको जरूर बताएं कि आपको मेरा डेली ब्लॉग कैसा लगा।